हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल माई कार इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा नेक्सॉन के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी टाटा पंच के बारे में, जो कि कंपनी ने इसमें कुछ अपडेट्स किए हैं जिसके बारे में आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं पूरी डिटेल्स। गाइज, अक्टूबर 2021 में लॉन्च टाटा की सबसे सेफ और सस्ती एसयूवी पंच एंट्री लेवल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मोस्ट डिमांडिंग एसयूवी है। यह वर्तमान में टाटा के पोर्टफोलियो में नेक्सॉन के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है। 2022 में पंच को देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल किया गया था। पंच की मिनी एसयूवी प्रोफाइल को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। यह किफायती होने के साथ ही कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है और कंपनी ने इसे पहले से अपडेट कर दिया है। कंपनी ने पंच के इंजन और केबिन को पहले से कहीं ज्यादा रिफाइन कर दिया है। अब पंच न्यू RDE कॉम्प्लेंट इंजन के साथ आएगी। यह पंच के कस्टमर्स को और बेहतर एक्सपीरियंस कराएगी। इसके केबिन के अंदर और इंजन की नॉइज दोनों में काफी कमी आई है। केबिन के अंदर इंजन की आवाज बहुत कम आती है। इसके अलावा इसमें होने वाले अपडेट्स की बात करें तो जब डोर बंद होंगे तो AC और फैन अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे। इसमें केबिन स्पेस में लगभग पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। इंजन अपग्रेड के अलावा RDE कॉम्प्लेंट टाटा पंच काफी हद तक पहले जैसे ही है। पावर और टॉर्क आउटपुट में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसमें मिलने वाला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मैक्सिमम 86 PS की मैक्सिमम पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। पंच इको और सिटी ड्राइव मोड्स के साथ आती है। और टाटा पंच के टॉप स्पेक वेरियंट फीचर्स की बात करें तो इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRL, LED टेल लैम्प, ऑटो फोल्डिंग ओआरएम, R16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, पेडल लैम्प और रियर वाइपर, वॉश और डिफॉगर देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल माई कार इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें।